अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड स्क्वायर रूट्स की। एक्सरसाइज है 5.12 और क्वेश्चन नंबर है 1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसे एक पर्सी तरह से उतारना है स्टेपिंग के लिए, और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग एलसीएम लेना है। बीच में डिवाइड है, अभी हमने इसे नहीं छेड़ना। सबसे पहले हम इन दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसी तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में एक्स माइनस वाई जो नीचे है, ठीक है। अब ये इससे हो जाएगा, ये इससे आपस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई से, ठीक है। फिर बीच में प्लस है, फिर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। ये एक हो गया, इसके बाद बीच में डिवाइड, और ये भी सेम इसी तरह से होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई से, और बीच में माइनस, और फिर एक्स प्लस वाई, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऊपर वाली वैल्यूज़ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये देखें ए माइनस बी हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर हम इसे फॉर्मूले की शक्ल दे देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर प्लस, और ये एक्स प्लस वाई का है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अपॉन में इसी तरह से रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर डिवाइड है, और यहाँ पर भी सेम, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का लगा, फिर माइनस, अब दरमियान में माइनस है तो अगला हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस से अंदर की जो साइंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो फिर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर अपॉन में सेम इसी तरह से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब जो एक जैसे हैं वो कट जाएंगे, तो यहाँ पर वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह गया टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड इसी तरह से रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। तो ये इसी तरह से उतरा 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई, फिर डिवाइड, अब यहाँ पर x कैंसिल होगा तो यहाँ पर रहेगा 2y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई। तो अब हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जब हमने y और y को प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट साइन माइनस की आएगी, ठीक है, तो 2 के साथ माइनस आएगा। अब हम अगले पेज पर इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई अपॉन टू वाई क्यूब। यहाँ पर आ गया माइनस का टू वाई क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया हमारे पास, टू भी कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब अपॉन माइनस का वाई क्यूब आंसर। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।